जो 392 फीट की जो लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 40 फीट, पूरी जो डिटेल हम आपको बताने वाले हैं इस पोल्ट्री फार्म की, कितनी इसमें जो मुर्गी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और पूरा सिस्टम आज आपको दिखाने वाले हैं बाहर से अंदर से, कि कितने जो इसमें खर्च होगा और कितने रुपए में आप जो मुर्गी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं 5,000 मुर्गियों से और 50,000 मुर्गी तक का पूरा खर्चा बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक देखिए, पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये जो पूरी 392 फीट की जो इसकी जो पूरी लंबाई है और चौड़ाई अंदर से आपको दिखाई दी 40 फीट की जो इसकी लंबाई है, और यहाँ पे जो इसकी कूलिंग पैड ये लगाई है, ये आप देख सकते हैं कूलिंग पैड जो इसकी 35 फीट की जो पूरी इसकी कूलिंग पैड होती है, बीच में जो फैन भी लगे हुए हैं और इसमें जो 17 फैन जो बाहर लगे हुए हैं पीछे की तरफ, जो कि अंदर से जो गेट से यहाँ से कूलिंग पैड से जो अंदर ऐसे हवा जा रही है, पीछे जो फैन होते हैं वो 17 फैन हवा जो पीछे की तरफ खींचते हैं, मॉइस्चर और गर्मी जो होती है उसे बाहर निकाल के जो कूलिंग पैड अंदर, यानी कि सिस्टम आप समझ गए कि कूलिंग पैड से अंदर की तरफ जो हवा जाएगी शुद्ध और ठंडी होगी। ये आप देख सकते हैं कूलिंग पैड किस तरीके से चल रही है, टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो ये आप देख सकते हैं कूलिंग पैड जो ऑटोमेटिक यहाँ पे चलती है, तो पूल जो ऑटोमेटिक जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है ये देख सकते हैं, वो वायर यहाँ पे जो लगी हुई है बाहर पे, वहाँ इसका जो कूलिंग पैड का जो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि कूलिंग पैड अगर गर्मी हो जाएंगी अंदर तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ने के बाद सेंसर के द्वारा ऑटोमेटिक जो वहाँ पे मोटर है, मोटर से जो कूलिंग पैड जो ये 5,000 मुर्गी अगर फार्म को आपको जो लगाना है उसके लिए ये सारा सिस्टम जो पिंजरे के हिसाब से होता है, यानी कि एक पिंजरे में आपको जो 7 मुर्गी रखनी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसकी जो 1.5x1.5 का जो ये इसका जो पिंजरा होता है मुर्गी का, इसमें आपको मुर्गी रखनी है तो उसी हिसाब से लंबाई के हिसाब से जो कंपनी के जो आधे बहुत सी जो कंपनियाँ हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बीडसमैन कंपनी है, सभी कंपनियों के अलग अलग जो साइड्स हैं और उसका जो मटेरियल भी सब अलग होता है। ये नंबर वन जो कंपनी है वर्ल्ड की बीडसमैन, उसकी ये जो पूरी साइड है यहाँ पे लगी हुई, और इसमें आपको करना क्या है कि उसी हिसाब से अगर 5,000 मुर्गी का जो आपको फार्म लगाना है तो उसी हिसाब से आपको जो कंपनी पे जाने के बाद जो उन्हें बताएंगे कि 5,000 मुर्गी का जो कितना हमको जगह चाहिएगा, पूरा जो इंजीनियर आपको जो आगे पूरा जो मतलब जगह होगी वहाँ पे नाप के पूरा बताएंगे कि आपको कितना जो इसमें जगह चाहिएगी और कितनी लंबाई चौड़ाई हो उस हिसाब से। तो अब इसमें जो ऊपर दिखा रहा हूँ ये पप पैनल यहाँ पर सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ये पप है, इसमें अंदर जो पप होता है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक जो पप लगे हुए हैं, उसके बाद जो यहाँ पे कूलिंग पैड है ये नीचे और ऊपर जो पूरा पप सिस्टम है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट की जो ऊंचाई है, जिससे कि टेम्परेचर ज़्यादा जो गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में ज़्यादा जो यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो मुर्गी को, इसलिए जो 20 फीट की जो ऊंचाई इसकी जो रखी गई है। इसके फ़ायदे क्या हैं पप पैनल के, जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है बाहर का, गर्मी हो रही है तो अंदर ये इतना जो गर्मी हीटिंग जो नहीं देंगी, कंक्रीट का जो ऊपर से आप इसमें हाउस बनाओगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने की जो संभावना होती है, लेकिन पप में क्या है, पप के अंदर जो पप जो होता है पप पैनल, उसमें जो टेम्परेचर एडजस्ट करने की वो क्षमता होती है गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में भी। और पूरी साइड में जो सेंसर का सबसे अच्छा जो सिस्टम होता है ऑटोमेटिक कितने फार्म है उसमें जो सेंसर के द्वारा सारा जो सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। यहाँ पे बीच में सेंसर लगा हुआ है, बाहर कूलिंग पैड का मैंने आपको दिखा दिया, और सेंसर कैसे ऑपरेट करता है वो दिखा रहा हूँ पैनल पे। पूरी साइड जो है ये फार्म है, यहाँ पे जो ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे जो ये पैनल लगा हुआ है यहाँ से एक एक बटन जो पूरा काम करता है, और पूरा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पे स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे जो पूरा सिस्टम यहाँ पे दिखाएगा कि क्या सिस्टम कहाँ से हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी सेंसर लगे हुए हैं सभी का अलग अलग जो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है कि कितना टेम्परेचर कहाँ पे है, कौन सी साइड में, आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो फिलहाल में जो 36.1 डिग्री है, और अंदर का भी जो टेम्परेचर देख सकते हैं हमने सेट करा हुआ है 30 के करीब, यानी कि 29.5 है। तो जितने भी 5 इसमें रो हैं सभी का जो अलग अलग दिखा रहा है अंदर का बाहर का, और पूरा सिस्टम कूलिंग पैड का पूरा सिस्टम दिखा रहा है, और भी इसमें सिस्टम बहुत से हैं, पानी का भी सिस्टम इसमें जो आपको पता लग जाएगा कि कितना पानी जो मुर्गी ने वो पी लिया है और कल कितना पानी पिया है ये भी दिखा रहा हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं जो ये जो वाटर टुडे है वो 6280 लीटर यानी कि आज का जो पानी पी लिया है, कल जो पानी पिया था पूरी मुर्गी 24 घंटे में मुर्गी ने वो पिया था 16,510 लीटर, तो यानी कि इस पानी का पूरा आपको यहीं पर डिटेल मिल जाएगी कितना पानी पी चुकी है और कितना जो कल पानी जो पिया था, क्योंकि इसमें जो सिस्टम होता है पानी जैसे कि कल 16,000 पिया था तो आज भी 16,024 घंटे में यानी कि शाम के 5 बजे जो रीडिंग आएगी फुल 6-7 बजे उसमें जो 16,000 होना चाहिए, अगर कम हो गया तो उसकी में आपको डॉक्टर के द्वारा आप सलाह दे सकते हैं। फार्म होते हैं सभी में जो डॉक्टर्स होते हैं और वो उनकी सलाह से जो पूरा जो ऑपरेट फार्म को किया जाता है। अब ये मैं आपको जो सेंसर दिखा रहा हूँ पूरी साइड में, ये आप देख सकते हैं ये हमारी साइड है, वहाँ पे जो सर पूरी साइड के जो सेंसर कहाँ कहाँ पे हैं वो पूरे दिखा रहा है कि सेंसर कहाँ कहाँ बाहर साइड कहाँ है, कूलिंग पैड कहाँ है, और अंदर जो रो हैं रो के जो 5 के 5 इसमें दिखा रहा है,
तो पूरा सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, और इसमें आप जो ह्यूमिडिटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ये दिखा रहा है ह्यूमिडिटी जो फिलहाल में जो 81% ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर 30 जो अंदर का है, ये अंदर का सिस्टम दिखा रहा है ह्यूमिडिटी 81% जो ह्यूमिडिटी है, यानी कि थोड़ी सी जो मॉइस्चर यहाँ पे जो बढ़ा हुआ है, तो मॉइस्चर भी ये पूरा ऑपरेट ऑटोमेटिक सिस्टम ये सब है। अगर आप देख रहे होंगे सेंसर कैसा होता है, तो मैं सेंसर भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो बीच में सेंसर लगा हुआ है, ये जो एक सेंसर है, इसे आप देख सकते हैं नज़दीक से, पूरा जो सिस्टम यहाँ पे हो रहा है, ये जो टेम्परेचर जितना भी है वो मेंटेन कैसे करना है, कितना टेम्परेचर है पूरा, जो ये बताएगा कि कितना साइड में यहाँ पे जो फिलहाल का जो टेम्परेचर है हमारे पैनल में जो स्क्रीन पे जो पूरा वो इंडिकेट करेगा कि इतना जो टेम्परेचर यहाँ पे इसी जगह हो रहा है। तो मेरे पास जो कमेंट आई थी, कमेंट के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है, वीडियो में आपको समझा दिया है कि कितना जो फार्म कितनी साइड का कितनी मूर्य का बनना है, वो कंपनी में जाने के बाद आपको पता लगेगा। बिग डस्टमैन की कंपनी है, आप जो उनका जो टोल फ्री नंबर है वो भी आप जो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब और गूगल पे, उसके द्वारा जो ये बता दिया कि जितने भी पिंजड़े हैं पिंजड़े के हिसाब से जो आपको अपनी जो साइड है साइड का जो पूरा सिस्टम, ये जो 50,000 का फार्म है और इसकी जो लंबाई है 392 फीट इसकी जो लंबाई है और 40 फीट इसकी जो चौड़ाई है, ऊंचाई 20 फुट की है, जो ऊपर पैनल लगे हुए हैं पूरा जो यहाँ पे पक्का हुआ है, और यही सिस्टम है जो पूरा साइड जो आप हमारे चैनल पे पूरी वीडियो आप देख सकते हैं आगे। तो वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।